गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेफ होंगे कोरोना से। हम जो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी, प्रिपरेशन अपना कंप्लीट हो गया है, हेलो एल्किन हेलो एरिन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दी है हमने, हेलो एल्किन और हेलो एरिन की। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्किन। किसकी बात करूंगा मैं आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन। हेलो एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे आज? बात करेंगे कि हेलो एल्किन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है या कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को वेरी करवाता है। तो यहां का सर, यहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन या केमिकल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, इनको हमने यहां पर क्लासिफाई कर दिया, इनको क्लासिफाई किया हमने थ्री कैटेगरी के अंदर, थ्री टाइप्स के अंदर। कौन कौन सी थ्री टाइप्स हैं मैं समझा देता हूं। पहली मैं यहां पर पढ़ूंगा, जब मैं इसको क्लासिफाई करूंगा तो पहली टाइप पढ़ूंगा मैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा हमें मैं इसी के अंदर सेकेंड रिएक्शन जो अपने पास में है, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन करूंगा मैं, विद एग्जाम्पल पढ़ूंगा मैं, ठीक है, और समझाऊंगा आपको, एक एक चीज समझाऊंगा मैं, बस बने रहिएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट अपने पास में है एलिमिनेशन के बाद में है रिएक्शन विद मेटल्स। तो कुछ रिएक्शन जो है वो मेटल के साथ में करने पर हेलो एल्किन की क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, विग्ना रिएजेंट की प्रिपरेशन उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये सब रिएक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं आज जो बात करूंगा वो है वो अपने लिए वो है ये, मतलब आज हम जब बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं आज? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन करवाना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। किसके थ्रू करवाना है? न्यूक्लियोफाइल के ही थ्रू। न्यूक्लियोफाइल का क्या करवाना है? सब्स्टिट्यूशन करवाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये मेरे पास में है RX, ये पॉजिटिव, ये क्या है अपने पास में, नेगेटिव, समझ गए। तो यहां पर ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये X जो है यहां पर ये एज ए वर्क करता है यहां पर लिविंग ग्रुप, किसकी तरह काम करता है, लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। और लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो डिपार्ट्स होते हैं, डिपार्ट्स फ्रॉम हैलाइड आयंस। हैलाइड आयन का मतलब जो लिविंग ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन का करते हैं विद इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन का होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में जो ग्रुप रिलीज हो जाता है अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाता है, जो ग्रुप रिलीज हो जाता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब एक्स जो है वो अपने के साथ में इस वाले का लेगा, मतलब कहने का मतलब जो अपने आप को हैलाइड फॉर्म में रिलीव कर लेते हैं वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। तो एक्स जो होता है यहाँ पर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। तो अब कॉमन सी बात है, ये इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। जैसे इसको बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा अपने पास में, एक नया प्रोडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट, ये एक्स नेगेटिव बाहर हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया नया सब्स्टिट्यूटेड वाला। और ये क्या आया, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आया, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसा न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट करता है। तो इस टाइप की होने वाली जो रिएक्शन होती है
वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक SN1 एक SN2, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर विद एग्जांपल विद मैकेनिज्म, सब समझाऊंगा मैं बारी बारी से जब आगे हम क्लास में कंटिन्यू बढ़ते चलेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने इस ग्रुप को रिमूव किया इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के, जो कहने में ये ग्रुप कैसा है, वीक है। जो ग्रुप निकल रहा है अपने आयनिक फॉर्म के अंदर, वो ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, लिविंग ग्रुप। कहा लिविंग ग्रुप क्या होगा, वो लिविंग ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करते हैं, अपने आप को रिलीज करते हैं, डिपार्ट्स कर लेते हैं। डिपार्ट्स के लिए डिपार्ट्स करेगा किस फॉर्म में, फ्रॉम हैलाइड फॉर्म में, क्या करेगा अपने आप को रिमूव करवा लेगा, एक्स नेगेटिव बाहर हो गया और क्या बन गया आर एन यू, एक नया प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बन गया अपने पास में। अब इसी टाइप से मिलते इसी टाइप की कुछ एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन अपने पास में है, तो पहले मैं एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन समझाऊंगा आपको एक एक करके कितने टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर हेलो एल्केन के अंदर दे रखी है। तो पहले मैं वो समझाता हूँ, उसके बाद में मैं इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके मैं सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसकी पढ़ लेता हूँ जो कि जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखना बने रहिएगा मेरे साथ में, दिखाते हैं कंटिन्यू। चले भाई आगे देखो, तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्या होना, सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग वाला वीक को करेगा। वीक जो होगा वो लिविंग ग्रुप होगा, अपना इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिपार्ट करेगा, आयनिक फॉर्म में निकलेगा, एक्स नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे आउटगोइंग। अब मैं बात कर लेता हूं उनके एग्जांपल्स को लेकर के, तो एग्जांपल देखना एक एक करके सारे एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, देखना। तो पहला एग्जांपल अपने पास में है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, देखना एग्जांपल क्या है इसके। तो पहली रिएक्शन अपने पास में यहां है, तो ये मार्कर थोड़ा सा ना इन खत्म हो गई है, तो रेड वाले से करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, पहली टाइप अपने पास में क्या है यहां पर, पहली है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। हेलो एल्किन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हम बात कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, ये आपके पास में आर एक्स, ठीक है, KOH डालना, किस मीडियम में डालना है, एक्वस फॉर्म में डालना है, अंडर हीटिंग कंडीशन, KX बाहर हो गया, ROH बना, प्लस में KX हो गया, OH का सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो गया हैलोजन का। दूसरा आप यहां पर RX के साथ में AgOH भी आप ले सकते हो, ये भी एक्वस फॉर्म में वही सब्स्टिट्यूशन हुआ, AgX बाहर हो गया, ये बन गया ROH प्लस में AgX, तो दोनों क्या बन गए अपने पास में एल्को। हाँ, पहली टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हमने बारे में बात कर ली। दूसरी रिएक्शन क्या है इसके बारे में, सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट थी, सेकंड वाला, सेकंड अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ ईथर, सेकंड रिएक्शन क्या है अपने पास में, फॉर्मेशन ऑफ ईथर के बारे में हम बात करेंगे। ईथर मतलब डाइवेलेंट ऑक्सीजन को बोलते हैं ईथर। ईथर कैसे बनेगा, ठीक है, तो ईथर को बनाने के लिए हम यहाँ पर जनरली एक जो रिएक्शन पढ़ते हैं उसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। तो मैं यहाँ कोई डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा इसको, जब मैं ईथर एल्कोहल वाले चैप्टर में जब बात करूंगा ना तब विलियमसन को विद मैकेनिज्म समझाऊंगा। अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रोसेस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है, ये आपके पास में आर एक्स, ठीक है, ये मैंने ले लिया एल्कोक्साइड, ठीक है, ये एल्कोक्साइड ले लिया, ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कितना डिग्री लेना अपने को, 1 डिग्री लेना, ये एल्कोक्साइड है अपने पास में सोडियम एल्कोक्साइड, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर हीटिंग कंडीशन ये इस पे अटैक करेगा, चार्ज सेपरेशन की जब बात करेंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ROR- प्लस में NaX और ये बन गया आपका ईथर। तो इसकी तरह की इसके थ्रू आपको करवानी है। यहाँ पर होने वाली जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 होती है, जब ईथर बढ़ेंगे तब बात करेंगे ज्यादा डिटेल में हम, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल के बारे में, तो आई होप ये दोनों रिएक्शन आपकी हो गई होंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है, दोनों को मिटा देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ
नेक्स्ट अपने पास में है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल। तो आज मैं ब्लैक का थोड़ा कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इंक खत्म हो गई है, ठीक है, कल मैं ले आऊंगा। मैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल के बारे में तो रेड वाला आई होप आपको दिख रहा होगा, देखना साइनाइड के थ्रू। तो ये आपने लेना है आर एक्स प्लस में, यहाँ लेना है के सी एन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये कैसी नेचर वाला है, ये आयोनिक नेचर का होता है, ठीक है, और एल्कोहलिक लेना है आपको, ठीक है। मीटिंग क्या करेंगे, के एक्स बाहर हो जाएगा, ये आर किसके साथ में सी एन बना और के एक्स बाहर हो गया, ठीक है। फिर बड़ा सर इस सी एन के थ्रू हमारे पास में कुछ वेराइटी ऑफ रिएक्शन भी बनती हैं, देखना कैसे बनती हैं समझाता हूँ। बस ये आर सी एन के अंदर अगर आप एक मॉलिक्यूल वाटर का अगर डाल देंगे, एक मॉलिक्यूल का डाल देंगे, वाटर का डाल देंगे इन कंसंट्रेट मीडियम एसिडिक वाले में, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा एम आई डी के अंदर, ठीक है। यही अगर दूसरी रिएक्शन की मैं बात कर दूं, अगर एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन दो मॉलिक्यूल वाटर के साथ में करवा देंगे, मीडियम ये कैसा हो जाएगा, डायल्यूट अगर हो जाएगा तो ये आपका टर्म बन जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में कार्बोक्सिलिक और अमोनिया के अंदर। तो ये क्या बना अपने पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में थर्ड जो रिएक्शन है क्या है, आर सी एन प्लस में क्या करना अपने को 4H, ठीक है, बीच में गाने का भी एंजॉय करो, रोड के पास में गाना इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन के नाम से। क्या करना है, आपका साइनाइड चेंज हो जाएगा अमाइन के अंदर, ये बना 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। मैंने क्या कहा, साइनाइड बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो क्या करेंगे, एल्कोहलिक केसियन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे आप, तो आर एस के एक्स बाहर हो गया, आर सी एन बन गया, ठीक है। फिर बोला सी एन से वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल अपने पास में है, पहला अपने पास में यहाँ पर बना अमाइन बना, दूसरा अपने पास में बना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा हमने बनाया है 1 डिग्री अमाइन जो मेंडियस रिएक्शन है। देखो तीनों के तीनों जो रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके की है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एक अपने पास में, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दो लिए, यहाँ एक लिए और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए हमने, ठीक है, रिडक्शन करवाया, ये एसिडिक मीडियम में हमने करवाया कंसंट्रेट और डायल्यूट फॉर्म में। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट जो टाइप अपने पास में है, यहाँ पर जो रिएक्शन अपने पास में यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में यहाँ पर, तो ब्लैक वाला तो खत्म हो गया, रेड से ही करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है एनसी, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखना, ये आर एक्स है, ये आपको लेना है एजी सी एन के साथ में, तो जब एजी सी एन के साथ में आप रिएक्शन करवाते हो इसकी, इसके साथ में एजी सी एन के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो किस तरीके से रिएक्शन वैली करते हैं देखना। ये आपको लेना है बेसिक मीडियम विद वाटर, तो क्या करेगा वो सर आर एन सी बनेगा और प्लस में एजी एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये नेचर आयोनिक थी, ये नेचर है तो एल्कोहलिक, और ये कैसी अपने पास में कोवलेंट नेचर है, तो ये कोवलेंट नेचर होने की वजह से क्या बना रहा है, आर एन सी बना रहा है, वो आयोनिक होने की वजह से सी एन बना रहा है। मतलब कौन सा मुद्दा ये कि जो सी एन ग्रुप है ना उसकी कुछ अलग ही नेचर होती है, जो बताऊंगा अभी मैं कि ये किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और जब उस आर एन सी के साथ में अगर मैं क्या करवा देता हूँ, आर एन सी के साथ में करवाता हूँ मेंडियस रिडक्शन, तो ये मेंडियस करवा दिया मैंने सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, अंडर हीटिंग कंडीशन में, तो वहां पर क्या बन रहा था, वहां मेंडियस ही बन रहा था 1 डिग्री अमाइन, यहां पर मेंडियस ही बनेगा 2 डिग्री अमाइन, कितना डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। अब चीजें यहां पर मैं तुमको जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या समझाता हूं कि सर केसीएन जोड़ने पर तो सीएन जुड़ जाता है, पर एजीसीएन के जोड़ने पर सीएन नहीं,
एनसी जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक पे क्या है कि सर केसीएन की नेचर होती है आर्गेनिक और एजीसीएन का नेचर कैसा होता है कोवलेंट। दूसरी बात सीएन जो होता है ना वो एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके अंदर एक ही ग्रुप के अंदर मोर देन वन डोनेटिंग साइट क्या होती है प्रेजेंट होती है। समझे मेरी बात को। जैसे मैं अपने आप को एम्बीडेंटेड मानता हूं कि मैं एक हूं पर मेरे पास में दो डोनेटिंग साइट प्रेजेंट है। मैं इस हाथ से भी जोड़ सकता हूं सामने वाले को इस हाथ से भी, पर वन टाइम में वन ही एडिशन करेगा, या तो ये करेगा या ये करेगा। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें मोर देन वन डोनेटिंग साइट होते हैं इन ए वन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर सीएन एजीसीएन के अंदर अलग एनसी बनाता है और केसीएन के अंदर सीएन जुड़ता है। तो कैसे जुड़ेगा उसकी मैं बात करता हूँ, देखना थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूँ इसका, देखिएगा। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अपने पास में इन दोनों की मैकेनिज्म समझाता हूँ, देखना। नेक्स्ट हमारे पास में है इनकी मैकेनिज्म। तो देखो ये केसीएन का तो सिंपल सा है, सीएन जो होता है मैंने क्या कहा कि सीएन जो होता है वो एमबी डेंटेट क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें मोर देन वन डोनेटिंग साइट्स आर प्रेजेंट। क्या होती है मोर देन वन डोनेटिंग साइट। देखो ये यहां पर ये इस टाइप से केसीएन है, अभी यहां पर सीएन सी डोनेटिंग साइट है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में केसीएन वाले के साथ में। जब ये रेजोनेंस करेगा तो कॉमन सी बात है यहाँ पर टर्म क्या करेगा थोड़ा सा अलग वेरी कर जाएगा। देखो यहाँ पर मैं ये यहाँ करवा दिया, इनको यहाँ लगा दिया, ये आया सी, ठीक है, ये एन, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया ना। वापिस अगर आएगा तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यहाँ सी डोनेटिंग साइट है और यहाँ पर एन डोनेटिंग साइट है। तो अब देखो आप के पॉजिटिव सी एन, तो ये सी का पॉजिटिव है, ये आर एक्स है, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकालेगा, ये आर सी एन जुड़ा आयनिक फॉर्म में, तो क्योंकि सी डोनेटिंग साइट है के एक्स हो गया। यही चीज अगर मैं एजीसीएन के साथ में दिखाता हूं तो देखो ना एजीसीएन ये लोन पेयर है, ये आर एक्स है, ठीक है, यहां पर एजी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा सी, यहां पर ये वाला एटम यहां अटैक करेगा, एक्स बाहर हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन की जब बारी आएगी तो क्या बनेगा आर एन जुड़ गया सी, सी पे चार्ज बढ़ गया क्योंकि सी ने किसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एजी का, तो सी पे जा गया नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब जब इनके चार्ज सेपरेशन की बारी जब आएगी तो ये आएगा अपने पास में यहां पर डोनेटिंग का टर्न, ये यहां पर, ठीक है, नेगेटिव वाला पोर्शन देखो इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस टर्म को हम कैसे इंडिकेट कर दें सिंपल वे में ताकि चार्ज सेपरेशन करने में दिक्कत ना आए, आर एन सी प्लस में ए जी एक्स। तो यहां नेचर जो होता है वो आयनिक होता है, यहां जो नेचर होता है वो कैसा होता है कोवलेंट होता है, और सी एन का खुद का नेचर कैसा होता है एम्बीडेंटेड जिसमें मोर देन वन डोनेटिंग साइट्स क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा जरूर, क्वेश्चन पूछिएगा जरूर मेरे से कोई भी डाउट अगर है तो, ठीक है, और नोटबुक चेक करूंगा, तुम्हारा नंबर आने वाला नोटबुक चेक करने में भी कंफर्म करूंगा, घर वालों के पास में फोन भी करूंगा मैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सुन लो 12th जो बीके बच्चे हैं समझने चीज का, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास में हो गई है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे यहां तक। ठीक है, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपके पास में, ठीक है। तो यहां तक जो भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, समझ सकता है, ध्यान रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही अपने पास में रिएक्शन और समझा देता हूं, ठीक है। देखो अपने पास में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल, उसमें भी वही चीजें हम रिपीट कर लेंगे, वहां भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड्स, एल्काइल नाइट्राइड्स, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइड्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे करना है और कुछ नहीं करना, कोई आर एक्स, ठीक है, नाइट्रेट बनाना, तो के का पॉजिटिव ओ का नेगेटिव, यहां भी वही एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है, ये आयोनिक नेचर में अगर वेरी करेगा तब तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स बाहर हो गया आर ओ एन ओ, ये एल्काइल नाइट्राइड बन गया के एक्स, ठीक है एल्काइल नाइट्राइड, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको मैकेनिज्म, मुझे दोबारा करने की नहीं। दूसरा है अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन वो कैसे होगा उसकी और बात कर लेता हूं। देखना अपने पास में ये है आर एक्स, ठीक है थोड़ा सा मैं उसमें से लिख देता हूं ए जी एन ओ टू, ठीक है आयनिक फॉर्म में लिखूंगा। तो ये वाला टर्म अपने पास में ये नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पे है यहाँ पर, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर ए जी थोड़ा सा जुड़ी है, ये अपने पास में ए जी ओ और ये एन, हाँ इस तरीके से कोवलेंट नेचर वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा गलत जुड़ गया था, ये एक्चुअल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये आर एक्स है, वही कंडीशन अपने पास में, ठीक है बेसिक मीडियम के साथ में। तो ये चार्ज सेपरेशन देखना इसका ऐसे, इसी ने इसको दे दिया, ठीक है समझ गए, इसने इस पर अटैक किया ये बाहर हो गया, आर के साथ में जुड़ गया एन, इसके साथ हमने छिड़कानी करी नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर आ गया चार्ज। अगर ऐसे दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हो, चार्ज आ गया तो यहाँ आ गया नेगेटिव, इसने दिया था चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। और ये बाहर हो गया अपने पास में ए जी एक्स, ये बन गया नाइट्रो एल्केन। यहाँ भी वही सीन लग रहा है, मतलब यहाँ भी एन ओ जो ग्रुप है अपने पास में, ये वाला जो ग्रुप है ये कैसी नेचर का है, ये भी कैसे नेचर वाले होते हैं, एम बी डेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, कैसी नेचर वाला है ये भी, एम बी डेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिर भी किसी बच्चे को यहाँ तक चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे बताइएगा, समझाएगा हम समझाएंगे आपको, बताएगा कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। ध्यान रखना मैंने करवाया केसीएन के साथ रिएक्शन, तो केसीएन और एजीसीएन के अंदर केसीएन का नेचर आयोनिक तो सीएन बनता है, एजीसीएन में एनसी बनता है क्योंकि उसका नेचर कोवलेंट था, और सीएन का नेचर एम्बीडेंटेड टाइप का था। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होती है जिनके अंदर मोर देन वन डोनेटिंग साइट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होती है। वही कहानी मैंने एल्काइल नाइट्राइड और नाइट्रो एल्केन में करवाई कि जब के ओ एन ओ था, के एन ओ टू फॉर्म में था तो आयनिक नेचर था, तो इस तरीके से एडिशन करेगा और क्या बना लेगा, एल्काइल नाइट्राइड बना देगा। और जब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन की बात करेंगे तो हम कोवलेंट नेचर वाला एच एन ओ टू लेंगे, इस तरीके से अटैक करेगा और जुड़ता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ भी एन ओ टू की नेचर कैसी है, एम्बीडेंटेड वाली है। तो आई होप यहाँ तक की टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत है, बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स के बच्चे में हैं, 5-6 एग्जाम्पल और हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बाकी हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत अगर आपको लगता है तो बच्चा मेरे से डाउट क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा, कोई भी डाउट अगर है नोटबुक कंप्लीट कर लेना क्योंकि नोटबुक चेक की जाएगी, अदरवाइज मैं तुम्हारे घर पे करूंगा फोन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ में। किसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, थैंक यू।